भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के ऐलान भर हुआ था कि विपक्ष तमतमा उठा। शराब पीने की उम्र घटाने से लेकर निजी हाथों में शराब की दुकानें देने के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल सरकार पर भड़क उठी। दिल्ली बीजेपी तो इस मुद्दे पर एलजी के पास पहुंच गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी ठेकों को निजी हाथों में देकर केजरीवाल भ्रष्टाचार और शराब माफिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। वही कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने शराब खरीदने की लीगल उम्र घटाने पर हमला बोला। अलका के मुताबिक इस नई पॉलिसी से दिल्ली नशे की राजधानी बन जाएगी। सुबादी दिल्ली दारू में पर पानी तुम न दिला पाए, पर पानी तुम न दिला पाए, ठेके तुमने बढ़ा दिए पर स्कूल एक भी न बना पाए। पीने की उम्र घटा दी तुमने पर प्रदूषण तुम घटा न पाए। नशा बांट दिया युवाओं में पर रोजगार तुम दिला न पाए। सर जी, आपके इस कदम से भ्रष्टाचार की बू आ रही, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार है और मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, ये हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जो कट्टर देशभक्त पैदा करने के जो है वो अपना पाठ्यक्रम ला रहे हैं, और वहीं पर युवाओं में रोजगार हाथ में क्या थमाना है, रोजगार क्या थमा रहे हैं, दारू शराब की बोतल, ये आज दिल्ली की घटनाएं हैं, सच्चाई है। माँ ने शराब के लिए पैसे देने से किया मना, बेटे ने पेचकस से वार कर उतारा मौत के घाट। ये 21 फरवरी 2021 की खबर है। क्या करने जा रहे हैं आप दिल्ली को? युवाओं सबसे ज्यादा इसका असर आप देखिएगा, जो हमारी झुग्गी गरीब महिलाएं हैं जो महंगाई की मार झेल रही हैं, उनके बच्चों को आप रोजगार देने की बजाय शराब की लत डाल रहे हैं। और ये वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार है जो कहते थे हम जनमत कराते हैं, हम मोहल्ला सभाएं कराकर ये फैसला करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपनी 8 महिला विधायकों से भी पूछा है? क्या उन महिला विधायकों ने अपने इलाकों में जाकर पूछा है? ये इनका नगर निगम जो चुनाव 2022 का लगता है, ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र मनीष सिसोदिया जी ने जारी किया है। हालांकि इसके उलट दिल्ली में शराब के शौकीन लोग इस कदम को अच्छा बता रहे हैं। इनके मुताबिक अब दिल्ली वालों को नोएडा जैसे पड़ोसी शहरों में नहीं जाना होगा। बहुत बढ़िया हो गया, ये बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा और होना भी चाहिए था। 21 लोग बच्चे बाहर जाके यूपी हरियाणा जाके शराब परचेज करते थे, अब दिल्ली से ही परचेज करेंगे। और सरकारी दुकान बंद होने से ये फायदा होगा कि लोग अच्छी मॉडलर शॉप ऐसी में आराम से आके शॉपिंग कर सकेंगे विद फैमिली। उन बेनिफिट है हमारे लिए, दिल्ली के लिए बेनिफिट है, रेवेन्यू बढ़ेगा, लोग अच्छे से परचेज कर पाएंगे रेदर देन गवर्नमेंट शॉप से धक्के मुक्की से, उससे बेटर है ये ऑप्शन। मॉल्स में आप अच्छे से आके फैमिली विद फैमिली आओ, अपना प्रॉपर ढंग से ब्रांडिंग देखिए। बढ़िया, बिल्कुल, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का ही फायदा है इसमें ये, क्योंकि अब बच्चे हम कहाँ तक रुकेंगे? 21 साल का बंदा आएगा, हम आप आईडी चेक करेंगे, कोई सुन नहीं है। अब जो बंदा कम एज का है, दाढ़ियां रखी है, तो नहीं पकड़ पाएंगे क्या, दाढ़ी देख ले, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है गवर्नमेंट के लिए। दिल्ली में विपक्ष के विरोध पर अब आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उससे शराब माफिया और अपराधियों की दुकानें बंद होंगी। ये माफिया और इनके राजनीतिक संरक्षक अभी कुछ दिन बौखलाए घूमेंगे और अपनी दुकान बचाने के लिए छटपटाएंगे, लेकिन अब इनकी माफियागिरी दिल्ली में नहीं चलेगी। दिल्ली का शराब माफिया करीब 2000 अवैध दुकानें चलाता है और करीब 1500 से 2000 करोड़ का टैक्स चोरी करता है। अरविंद केजरीवाल की नई एक्साइज पॉलिसी इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करेगी। बहरहाल इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, ऐसे में आशंका इस बात की है कि कहीं दिल्ली में उपराज्यपाल इन नई पॉलिसी पर ब्रेक न लगा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।